हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट इंटरपोलेशन का कॉन्टिन्यूएशन है, जहां पर हमने वीडियो वन में लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग अनइक्वल डिफरेंसेस के बारे में ही बात करते हैं। अनइक्वल डिफरेंसेस कैसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स और वाई दोनों में ही जो गैप्स हैं वो इक्वल नहीं है। जैसे कि 1, 3, 4, 5, तो 1 और 3 के बीच में काफ़ी गैप है। इसी तरीके से 1, 1949 और 101 दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं है। तो ये टेक्निक आपकी लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे कि जैसे आपको ये टेबल दी हुई है, इसको आपने अब रिवर्स करके सॉल्व करना है। यानी कि वहाँ पर आपका एक्स ऊपर होता था, एफ एक्स नीचे होता था लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में। बट यहाँ पर जो आपका एक्स है वो आप मानेंगे नीचे वाले लाइन को, यानी कि आप वाई के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम इसका आंसर लिखें तो इट कैन बी रिटन एज वाई और एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारी जो नई टेबल है वो बन जाती है 1, 1, 3 पे 19, 4 पे 49 और 5 पे 101। क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल इन्वर्स कर दी, इसीलिए इस टेक्निक को लैग्रेंज इन्वर्स इंटरपोलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने सारा काम सेम लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन वाले मेथड से ही करना है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हमारे पास जो वाई है वो 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो L0y की वैल्यू निकालेंगे, तो L0y की वैल्यू सेम उसी तरीके से, तो y-y1 (y-y2) और y-y3। तो यहाँ पर y1, y2, y3 क्या है? ये जो नंबर है ये y0 है, ये नंबर y1 है, ये नंबर y2 और ये नंबर y3 अपॉन में y0-y1 अपॉन y0-y2 और y0-y3 मल्टीप्लाई में x की जो वैल्यू है वो। तो वैल्यू होगी हमारे पास y-3, y-4 और y-5 अपॉन में 1-3, 1-4 एंड 1-5 मल्टीप्लाई में 1, जो कि x की वैल्यू है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी y³ (y²)-12y²+47y-60 अपॉन में 24 और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसको। तो आगे कंटिन्यू करने पर हमारी आएगी L1y, तो 1y के साथ निकालेंगे। तो सेम तरीका y-y₀, y-y₂, y-y₃। ये तरीका हमने लैग्रेंज इंटरपोलेशन में भी देखा था, जहाँ पर हमने सीखा था कि जो भी नंबर आपका है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा और नीचे वाले नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर कौन आएगा? y1। ऊपर हमने किसको स्किप किया? y₀, y₂, y₃। तो y1 को हमने स्किप किया। तो यहाँ पर नीचे आएगा y₁-y₀, y₁-y₂, y₁-y₃ (x) एक्स की दूसरी वैल्यू। यहाँ पर एक्स की 0 वैल्यू थी, यहाँ पर एक्स की 1 वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूज हमारी पुट करते हैं y-1, y-4 और y-5 अपॉन में 3-1, 3-4 और 3-5 मल्टीप्लाई में x की जो वैल्यू है वो है आपकी 19। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 19y³-190y²+551y-380 अपॉन में 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए, यानी कि L2y के लिए सॉल्व करेंगे। तो L2y के लिए सॉल्व करते हैं, तो y-y₀, y-y₁, y-y₃ अपॉन में, स्किप किसको किया? y₂ को। तो y₂-y₀, y₂-y₁ और y₂-y₃ मल्टीप्लाई में x 2 की वैल्यू की बार।
तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद नंबर्स आएंगे y माइनस वन, y माइनस थ्री और y माइनस फाइव अपॉन में फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस फाइव मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो थी 49। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो है माइनस 49y³ प्लस 441y² माइनस 1127y प्लस 735 अपॉन में 3। और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन पे बात करेंगे, तो फोर्थ इक्वेशन बनती है हमारी यानी कि लास्ट वन यानी कि L3y, L3y यानी कि y माइनस वन, y माइनस थ्री, y माइनस फोर अपॉन में फाइव माइनस वन, फाइव माइनस थ्री और फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई में 101। और ये वैल्यू आपकी सॉल्व होने के बाद आएगी 101y³ माइनस 808y² प्लस 1919y माइनस 1212 अपॉन में 8। और ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। सो आगे अब हम लिखेंगे एडिंग 1, 2, 3 and 4 वी गेट। सो 1, 2, 3 और 4 को ऐड करने के बाद तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो इक्वेशन जो वन थी हमारी वो थी माइनस y³ प्लस 12y² माइनस 47y प्लस 60 अपॉन 24 प्लस 19y³ माइनस 190y² प्लस 551y माइनस 380 अपॉन में 4। और तीसरी टर्म है हमारे पास प्लस का 49 यानी कि माइनस का 49y³ प्लस 441y² माइनस 1127y प्लस 735 अपॉन में 3। और जो चौथी है हमारे पास वो है अभी हमने सॉल्व की थी 101y³ माइनस 808y² प्लस 1919y माइनस 1212 अपॉन में 8। तो इन चारों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा y³ माइनस y² प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है जब y 2 होगा। तो आप निकालेंगे x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। सो यहाँ जो हमारा y³ माइनस y² प्लस 1 है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको इंटरपोलेशन वाले मेथड में बता चुका हूँ। और यहाँ पर अब एक इसमें और टर्म ऐड किया गया क्वेश्चन में कि आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 2 होगी। तो आप यहाँ पर इसी पॉलिनोमियल में y की जगह पर 2 रखेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका fx होगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।